स्मूथली एकदम। पांचवे गियर में हूँ मैं, छठा गियर भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें पांच गियर आते हैं सिर्फ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिल से स्वागत करते हैं आपका शुभम यादव के ब्लॉग पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। और भाई हमारे पास यहाँ पे आज हैं दो बाइक, एक है हीरो की, ये करिश्मा तो नहीं है लेकिन करिश्मा कह सकते हो, हीरो एक्सट्रीम 200S है ये हमारे पास फेयरिंग वाली। ये जब स्टार्टिंग में नहीं आई थी तब इसका मैंने वीडियो बनाया था और व्यूज़ भी आए थे, चली भी थी वीडियो, आप लोगों ने पसंद किया था। तो आज इसका कंपैरिजन हम नई बाइक से करने वाले हैं जो कि है KTM की ड्यूक 250। आप देख सकते हो लुक वाइज कैसी, बहुत सुपर, मतलब सुपर ड्यूक जैसी एकदम लग रही है, एकदम क्या मतलब मुझे लग रही है, बाकी है बनाई गई वैसे। इसकी लाइट बहुत पसंद आ गई मुझे, मीटर आप देख सकते हो एकदम। तो यहाँ पर इन दोनों बाइक का कंपैरिजन करने का आज मेरा मकसद था कि 200cc से आज करते हैं 250cc का, कि क्या कंपैरिजन होगा। और हीरो को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एयर कूल्ड है, वो लिक्विड कूल्ड आपकी बाइक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी। 250cc का इंजन है, 30 PS पार है इसमें, 18 PS पार है, 200cc का इंजन है। इसको डिसएडवांटेज इसमें बहुत सारे हैं अगर इससे रेस किया जाए, और इसको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। आप इसका कंसोल देख सकते हो यहाँ पर, इसका मीटर सिर्फ ऑफ है, बाकी बाइक का पावर पूरा खुला हुआ है, अनलॉक्ड बाइक है पूरी, बस मीटर आपका ऑफ है। और कोशिश करेंगे GoPro का जो धोखा नहीं दिया तो GPS अटैच कर दूंगा मैं इस पर, बाकी GPS से इसका मीटर एकदम एक्यूरेट होता है। तो बाकी यहाँ पे इन दोनों बाइक का जब कंपैरिजन करेंगे देखेंगा क्या होता है रिजल्ट में, रेस करके दोनों बाइक की रेस करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमारे साथ गौरव भाई करेंगे रेस, तो चलिए। तो आजकल सुना बहुत लोगों की जली पड़ी है, चलाना हमारा काम है, उसके बाद भी इतना बेशर्मी के बाद भी तुमको फ़ोन करते लोग हैं, तुमको फ़ोन करते हैं, तुमको उठाना नहीं चाहिए था। अरे हमने कहा उठा ले ये लोग, हमने सोचा मामला कुछ और हो तो निपट लेंगे। ये भी है, हाँ भाई इधर कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, तुम उधर जाओ भाई। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो गाइस हम आ गए यहाँ पे ड्रैग पे, चलिए करिश्मा XMR से इसका करते हैं, करिश्मा XMR से इसका करते हैं। कुछ शिफ्टर है उसमें, कुछ शिफ्टर नहीं है, क्या बात भैया, जाओ जाओ, मौका देना पड़ेगा तुमको, जाओ। अरे भाई ये उम्मीद नहीं थी यार हीरो एक्सट्रीम 200T से, मौका दे रहा मुझे। अबे यार इतनी बेइज्जती कराओगी यार तुम इस तरह से, अबे भैया कसम से यार दिल टूट गया ये देख के, 200cc हो के कितना ही जा पाएगी। ओह माय गॉड, वो देखो मजे लेगा भाई, वाह यार बहुत। ट्रैक करने के बाद तो देख सकते हो गाइस आप, इसमें कुछ शिफ्टर और बहुत स्मूथ क्विक शिफ्ट हो रहा है, स्मूथली एकदम। पांचवे गियर में हूँ मैं, छठा गियर भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें पांच गियर आते हैं सिर्फ। और आप ये देख सकते हो भाई साहब हमारे साथ में है, मज़ा ले रहे हैं। आज में भी कोई फायदा नहीं है, 120 जा पा रही है, बाइक चल रही मेरी अभी और एकदम फुल फन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम बढ़िया चल रहे हैं, हमारी इनके पर्सनल दोस्ती है एकदम। चलो थोड़ा आगे ले चलते हैं गाड़ी बिना टक किए हुए, अबे भाई। तो गाइस नहीं तो उसका प्राइस भी है भाई, कितना उसका प्राइस कम है, 1.5 लाख के आसपास। अरे तो N150 के 18 ही है, N150 देखो ये तो नशे में बनाई गाड़ी गई है, इससे ज्यादा इनकी 160 भागती एक्सट्रीम।
इन्हें सोचो खुद की 200 कंपनी से 160 को हरवा रहे हैं, मतलब 160 से 200 को हरवा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ये था, सेकंड राउंड में मैं चलाऊंगा एक्सट्रीम को और फिर देखते हैं भाई क्या होता है रिजल्ट में। यहाँ पे मौका देना मुझे पहले निकलने का, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस हमको जाने का मौका मिल गया है। अरे भाई साहब खतरनाक गाड़ी है, गियर भी इसमें थोड़ी देर में अपडेट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब मैंने लॉन्च किया है और हीरो एक्सट्रीम को काफ़ी आगे जाने दिया मैंने। मैं देखो चौथा गियर लगा दिया, आप जाके दिखा, मतलब गियर अपडेट होने में भी टाइम लग रहा है। चौथे गियर में 103, 104, पांचवा गियर लग गया। अरे भाई साहब क्या कबाड़ उठा के लाया हूँ मैं, क्यों कहा गई इतना मौका देने के बावजूद वो भी मजे में। और बहुत तेजी से मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, बहुत ही जल्दी, देख रहे हो रही। अरे भैया खतरनाक हिसाब किताब है ये तो, ये हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लास्ट में स्ट्रीमिंग लेते हैं 118, 119। गाइस ये क्या था भाई, जरा लगा हुआ है पीछे लेकिन आ नहीं पा रहा है, बो रहा। आपने तेज भगो जल्दी जल्दी, लड़के लोग आ गए, लड़कों को भेजो जल्दी। अबे ये देखो इतना टोटल लिया हुआ है मैंने, ये देखो आप लूंगा वो देखो, कहानी खत्म उसकी। बेचारा क्या रेस करेगा रे तू। ये रोड ही बवासीर है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, कहने वाली बात है, इसमें 5 गियर हैं और बाइक का प्राइस कम है और बाइक में पावर कम है, सब कुछ कम है, एयर कूल्ड बाइक है। अब एयर कूल्ड बाइक और लिक्विड कूल्ड बाइक से, वो भी इतना पावरफुल बाइक से कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। ये कोई कंपेरिजन नहीं था, ये एक फ्रेंडली रेस थी। तो आप लोग मतलब प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली जज मत करना। अभी बहुत लोग कमेंट में आएंगे क्या कंपेरिजन कर रहे हो, कोई कंपेरिजन नहीं। तो भाई भाई सीसी भी तो है बस, अरे फ्रेंडली रेस है बस, सोचा कर लेते हैं, वैसे हम फन के लिए बना रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि इसको नीचा नहीं दिखा रहे। बट ये चीज देखो 200 सीसी नहीं देना था इनको, 160 में फेयरिंग बाइक निकालनी थी तो मान सकते थे थोड़ा। भाई 18 पीएस पर 200 सीसी में गियर लगाओ, अब अपडेट हो रहा है तब है ना मीटर पे। अबे हमने कहा ये क्या, तो इंटरनेट से चल रहा है क्या इसका गियर बॉक्स, भाई हम गियर लगा रहे हैं मीटर थोड़ी देर बाद आ रहा है गियर। खतरनाक बाइक है कसम से, ये सस्ते नशे इस बाइक के आज तो। तो गाइज यहाँ पे ये था रिजल्ट और ये था वीडियो हमने बनाया, हो सकता है बाकी आपके पसंद आया हो ना आया हो, कोशिश यही रहती है हमारी कि पूरी कि आप पसंद करो वीडियो को। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइट से हेलमेट से पहन के सेव राइड करो, बाय बाय।